हे गाइस, आज हम स्टडी करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने ये क्वेश्चन डॉक्टर केसी सिन्हा की से लिया है। ये नाइन्थ की बुक है डॉक्टर केसी सिन्हा की, ये टेंथ की है, ये नाइन्थ और टेंथ की है। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी एक्सपेंसिव है, बट ये बहुत अच्छी बुक है। एलेवेंथ की, ट्वेल्थ की भी आती हैं और लोअर क्लास की भी आती हैं। ऐसे आपने RS अग्रवाल, RD शर्मा से बहुत क्वेश्चन किए होंगे, लेकिन ये बुक आप ट्राई करो, ये रस्तोगी पब्लिकेशन की आती है। मैंने डॉक्टर केसी सेना क्लास 10 एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट है। सेम टाइप के क्वेश्चंस आपको RD शर्मा, RS अग्रवाल में डेढ़ सारे मिल जाएंगे, और स्पेशली ये बोर्ड एग्जाम और जितने एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उनमें ये क्वेश्चन बार बार इस टाइप के सेम क्वेश्चन रिपीट करते हैं। देखने में बहुत छोटा सा है, फाइंड द रूट्स, इसके रूट्स फाइंड करने। तो सॉल्यूशन देखते हैं। द गिवन इक्वेशन इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, ये गिवन इक्वेशन है। एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। बट ये गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक के फॉर्म में नहीं है, तो इसे पहले आपको फॉर्म में लाना होगा। तो देखिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों टर्म में x कॉमन है, तो x कॉमन फैक्टर लोगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1। आप इस x को इस साइड भी लिख सकते हो जैसा इक्वेशन में होता है। अगर आपको डाउट होता है तो इसे x ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 लिख लो। ये और ये सेम है। अब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया। हियर एक्स स्क्वायर से पहले वाला टर्म ए होता है, एक्स से पहले बी और लास्ट टर्म सी होता है। तो ए इज इक्वल टू मेरी ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड बी एक्स से पहले वाला टर्म ये, तो बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड सी सी इज इक्वल टू माइनस 1। क्योंकि इसका डी लॉग होगा इसलिए डी सेपरेट फाइंड कर लो। तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बी, तो बी इज अ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर होगा माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी इंटू सी इज अ माइनस 1। ए माइनस बी होल स्क्वायर आपको आइडेंटिटी यूज करने होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab टू ए बी ए स्क्वायर ओके माइनस ये 4a स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस होगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। इसे सेम एज रहने दो, 2ba स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर ओके। तो नेक्स्ट बी स्क्वायर प्लस ए होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि ये लार्ज है तो प्लस आएगा और 4 माइनस 2 इज 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्योंकि ये इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के टर्म में है और ये आइडेंटिटी होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसलिए इसे आप बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हो। स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि ये ए माइनस बी होल स्क्वायर के टर्म में कैसे है। ओके, तो ये टर्म है, सेम टर्म मैंने लिखा है, तो एक्चुअल में इस टर्म को इसे ए मानते हैं और इसे बी मानते हैं, क्योंकि इन दोनों का होल स्क्वायर है, तो
तो विथ फैमिली होल स्क्वायर हो गया, माइनस है तो माइनस है। तो आइडेंटिटी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो ए हमारे टर्म है बी स्क्वायर, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर है, बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। ओके तो ए स्क्वायर तो बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज अ ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू ए इज अ बी स्क्वायर इंटू बी, तो बी ए स्क्वायर है। सिंपल बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ओके फॉर्मूला यही होता है और सेम इसे आप डी ठीक है अपॉन टू ए लिख सकते हो क्योंकि डी मैंने फाइंड कर लिया है, तो सेम ये भी फॉर्मूला होता है वो भी होता है। बी हमें गिवन है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओके प्लस माइनस अंडर रूट डी, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन टू ए, टू इंटू ए इज अ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहां से कैलकुलेशन पे कॉन्सेंट्रेट करना प्लस माइनस ओके कुछ आप याद रखो प्लस इंटू प्लस दैट इज प्लस माइनस इंटू माइनस इज तो ये प्लस होता है प्लस इंटू माइनस ये माइनस होता है माइनस इंटू प्लस ये भी माइनस होता है। ओके तो देखिए प्लस एक्चुअल में ये बी से पहले ये प्लस हाइट है तो माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस, अब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा ये आएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोज होते हैं या दो रूट्स होते हैं इसलिए एक हमें पॉजिटिव लेने एक नेगेटिव लेने। ओके इधर एक्स इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके मैंने फर्स्ट प्लस तो प्लस लिया है अपॉन टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके तो कुछ कैंसिल आउट हो रहे बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर गया ए स्क्वायर ए स्क्वायर ये टू ए स्क्वायर होगा अपॉन में टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कैंसिल टू से टू कैंसिल वन टाइम तो आ गया ये वन अपॉन बी स्क्वायर। तो अगेन एक्स इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, क्योंकि मैं माइनस ले रहा हूं इसलिए अब आपको क्या करना है अंडर ब्रैकेट लिखना है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सेम एज बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके कैंसल आउट करो तो ए स्क्वायर पॉजिटिव ए स्क्वायर नेगेटिव ये गया माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये माइनस टू बी स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके तो बी स्क्वायर स्क्वायर गया टू से टू वन टाइम कैंसिल इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर। ओके तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन बी स्क्वायर एंड माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर। ओके
answer. Thank you.